इधर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाकर जातिगत समीकरण साधे हैं। माना जा रहा है कि राजस्थान में भाजपा किसी सामान्य वर्ग के विधायक को मुख्यमंत्री बना सकती है। प्रदेश में राजपूत, ब्राह्मण, जाट या दलित वर्ग को साधने के लिए पार्टी बड़ा निर्णय लेने की रणनीति पर काम कर रही है। राजपूत को सीएम बनाया जाता है तो जाट व ब्राह्मण को डिप्टी सीएम और किसी दलित चेहरे को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सीएम का चेहरा ब्राह्मण होगा तो राजपूत व जाट उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। एक चर्चा ये भी है कि दलित विधायक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। डिप्टी सीएम बनते हैं तो इस दशक में ये पहली बार होगा कि भाजपा किसी को उप मुख्यमंत्री बनाएगी। इससे पहले 1993 में भाजपा ने हरिशंकर भाबड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया था। जिस तरीके से सस्पेंस या राजस्थान में बना हुआ है अभी सीएम फेस को लेकर, और कई नाम है, करीब 8 से 10 नाम है ऐसे जो कि इस वक्त चर्चाओं में चल रहे हैं लगातार, जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये सीएम फेस हो सकते हैं। लेकिन अब देखना यही है क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से एमपी और छत्तीसगढ़ में चौंकाया है, कुछ इसी तरह का फैसला राजस्थान को लेकर भी आएगा। चलिए फिर से हमारे सहयोगी उमेश फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ चुका है, अब सबकी नजरें राजस्थान पर हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि विधायक दल की बैठक कितने बजे रखी गई है, कब तक मुख्यमंत्री फेस सामने आ सकता है? देखिए, विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे भाजपा कार्यालय पर रखी गई है और सभी विधायकों को दोपहर 1 बजे भाजपा कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले विधायकों का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद भोजन होगा, उसके बाद बैठक का आयोजन किया जाएगा। जहां तक पर्यवेक्षकों की बात है तो जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो दोपहर 12 बजे जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद उन्हें किसी होटल में ठहराया जाएगा और विधायक दल की बैठक में वो शामिल होंगे। और अन्य बात की जाए, चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। उमेश, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी और ओबीसियों को साधने के लिए जिस तरीके से बीजेपी ने अपना ये दाव चलाया है और चेहरे उतारे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए राजस्थान में तो क्या लग रहा है कौन सा चेहरा है आगे? और जो 8-10 नाम है जो चर्चाओं में चल रहे हैं, अगर हम उन दोनों जगहों को देखें, एमपी और छत्तीसगढ़ को, तो लगता है कि जो नाम चर्चा है उनमें से कोई भी सीएम नहीं होगा, कोई चौंकाने वाला नाम ही सामने आएगा? बिल्कुल, देखिए, पार्टी ने इस बार दोनों जगह चौंकाया, राजस्थान में भी कोई ना कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में इस तरह से नाम चल रहे हैं उसमें यही बात सामने आ रही है कि या तो किसी सामान्य श्रेणी के जो विधायक है या जो नॉन विधायक है उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में ओबीसी को मुख्यमंत्री का पद दिया है। ऐसे में राजस्थान में पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में किसी सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये जरूर है कि उनके साथ किसी दलित को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और एक अन्य जाति के व्यक्ति को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अगर डिप्टी सीएम के रूप में उनका पद में नाम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष भी दलित जाति से हो सकता है, क्योंकि देखिए जो कैलाश मेघवाल है वो दलित जाति से आते थे और उनको पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष बनाया था। और सबसे प्रबल संभावना ये भी मानी जा सकती है कि देखिए राजस्थान में लगातार जो है महिला मुख्यमंत्री रहती है, ये महिला का दावा मजबूत हो सकता है, या तो मुख्यमंत्री बन सकती है या विधानसभा अध्यक्ष रूप में किसी महिला को आगे किया जा सकता है। जी उमेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो फैसला बीजेपी ने लिया है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिया गया है, उससे कहीं ना कहीं एक स्पष्ट मैसेज जिसे कहते हैं वो तो यहाँ राजस्थान में उन बड़े नेताओं को शायद मिल ही चुका होगा कि जितने भी बड़े नेता हैं या फिर कुछ लोग जो शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, विधायकों से मुलाकात हो रही है, उनको समझ में आ चुका होगा कि चेहरा कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, पार्टी ने वास्तव में चौंकाने वाला नाम सामने किया है, कोई सोच नहीं सकता था कि इन नामों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और क्योंकि भाजपा हमेशा से ऐसे चौंकाने वाले निर्णय लेती आई है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि राजस्थान में भी कोई ऐसा चेहरा आ जाए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जगह जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो विधायकों में से ही एक को मुख्यमंत्री चुना गया है, तो ऐसे में प्रबल संभावना है कि राजस्थान में भी किसी विधायक में से ही मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। हालांकि यहाँ विधायकों के इतर बहुत सारे नाम चल रहे हैं, चाहे सीपी जोशी की बात की जाए, अर्जुन राम मेघवाल है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, सुनील बंसल है और किरोड़ीलाल मीणा है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अभी विधायक नहीं है लेकिन उनके नाम भी चर्चा में है। लेकिन पार्टी ने जिस तरह से दो विधायकों को वहां मुख्यमंत्री बनाया, ऐसे में यहाँ भी उम्मीद यही है कि विधायकों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। जी चलिए, बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
तो आज आपको बता दें, राजस्थान को भी अपना सीएम फेस मिल सकता है। आज शाम को 4 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक है और उसी में सीएम फेस की घोषणा की जाएगी। और जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं वो सभी भी आज दोपहर तक यहाँ पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह भी पहुंच जाएंगे और फिर शाम को सीएम फेस की घोषणा की जाएगी। और माना जा रहा है एमपी और सीजी की तर्ज पर ही यहाँ पर भी एक चौंकाने वाला नाम सीएम फेस के लिए सामने आएगा। उसके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे।